दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह का बज गया है, चार 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 बजने वाला है और बाकी पीछे अंधेरा है। हम तो रात में 11 बजे आ गए हैं और इधर मेरे पति देव महाशय किधर गए जी? हाँ इधर आ रहे हैं, हम सोचे इधर है। हेलो दोस्तों, सभी लोग को गुड मॉर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हम सोचे आप लोग को ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर। बाकी देख सकते हैं सब लोग सोए हुए हैं और हमारी ट्रेन भी आने वाली है 4:28 पे। तो मान लीजिए 4:30 बजे। बाकी इधर देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है पूरा। और खलीलाबाद स्टेशन कुछ इस तरह है। अभी तो हम जल्दी जल्दी में है तो नहीं दे पाए और अभी आएंगे अच्छे से तो बहुत ही अच्छे से देंगे आप लोग को। बाकी देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है खलीलाबाद गोरखपुर का। गोरखपुर मतलब आगे पड़ता है खलीलाबाद, गोरखपुर पीछे है। गोरखपुर भी हम जब जाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग की ट्रेन आ गई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन आ गई आ गई आ गई भैया आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई बाबू आ गई। तो दोस्तों ट्रेन तो यही है, चलिए देखते हैं, दौड़ना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों हम लोग सीट पे बैठ गए और डिब्बा देख के पता चल गया है कि कौन से डिब्बे में हम लोग घुसे हुए हैं क्योंकि भाई 2-3 घंटे का रास्ता है। तो क्या मतलब ले टिकट पैसा फालतू का नुकसान कर, सीट मिल गया। तो वीडियो में बने रहिए, आगे चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है गोरखपुर और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली। अभी देखिए कहाँ कहाँ ट्रेन रुकती है, बहुत रुक रही है ट्रेन दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गोरखपुर से निकल गए जो कि आप देख ही सकते हैं और आगे कोहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बाकी जो भी है यही है, देख लीजिए आप लोग मेरे को तो भैया। फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग घाघरा नदी है जो कि हमको तो डर लगता है और आप लोग देख लीजिए यही है घाघरा नदी। गोरखपुर क्या बोलते हैं, गोरखपुर से इधर पड़ता है, मऊ में पड़ता है शायद। देखिए बहुत ही बड़ा है, उधर देखिए देखते ही देखते ही। इसी का नाम है घाघरा नदी, जैसे घाघरा बड़ा है वैसे नदी बड़ी है, क्या बात है। देख रहे हैं कितना बड़ा है, देखिए इतना 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 अपना हाथ वो करके पकड़े हैं ना ताकि मतलब अच्छे से पकड़े रहे क्योंकि हमको ना बहुत तेज से वो लगता है। हाय दादा ये पर रुकी काटर निया रुकी गई लो दादा आपका वही। तो फाइनली दोस्तों लग रहा है घाघरा नदी पे हम लोग उतरने वाले हैं, क्या भगवान जाने क्योंकि ट्रेन ना स्लो हो गई। यहाँ पे क्या लगता है बांध, यहाँ पे देखिए बांध है, आपको तो दिखा नहीं दिखेगा क्योंकि हम पुल पे है ना, धूप आ गई है यार इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। क्या बैक कैमरा पे दिखाती है आप लोग, दिख रहा है पानी, बहुत ही बड़ी नदी है दोस्तों। जितना कहा है ना गंगा जी से भी बड़ी नदी है, सही बता रहे हैं। गंगा जी भी बहुत छोट पड़ जाएंगी लेकिन ये नदी नहीं छोट पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी है ना, पूरा घाघरा की तरह लसेरी हुई है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ से ख़त्म हो गई है, बाकी हम भी पार हो गए हैं। बाय बाय टाटा घाघरा नदी को। ठीक है इधर है बाबू बैठा है जो कि देख सकते हैं आप लोग। बोलो कुछ, बोलो हेलो, बोलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों हम लोग अपने स्टेशन पर उतर गए और ट्रेन इधर जा रही है तो ट्रेन का बाय बाय कर दिए और चलो देखते हैं हम लोग की गाड़ी लगी है कि नहीं जो घर पे लेके जाएगी। फिलहाल अभी तो हम उतर गए हैं ट्रेन से तो देखते हैं, भैया लगा रखे हैं लेकिन क्या करेंगे पता नहीं।